की कांग्रेस की जो बीजेपी जो में चली सिंह। अब ज्योति मिर्जा जी पिछले 4.5 साल से कांग्रेस के किसी कार्यक्रम में नहीं देखी जा रही थी, तो अब स्वाभाविक है कि उनका मन कोई आज नहीं बदला है। उनका मन काफी दिनों से बदला हुआ था, क्योंकि उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि पीएर पक्ष से कांग्रेस की रही है और ससुराल पक्ष से बीजेपी की रही है। हो सकता है उन पे किसी तरीके का बड़े उद्योगपति घराने से वो संबंध रखती है, कोई दबाव होगा या उनका मन बदला होगा, मैं कुछ नहीं कह सकता, इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं तो इतना कहना चाहता हूँ कि 3 साल से तो मैं अध्यक्ष हूँ, कभी भी किसी भी कांग्रेस के कार्यक्रम में ज्योति मिर्जा जी नहीं आई, इसलिए उन्होंने ज्वाइन किया है तो वो उनको मुबारक हो, हमें कोई तकलीफ नहीं है। हम नागौर जिले में भी सशक्त हैं और राजस्थान में भी सशक्त हैं और पुनः कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। वो कह रही है सुनी नहीं जा रही कार्यकर्ताओं की, नहीं सुनी जा रही, घुटन महसूस कर रहे हैं कार्यकर्ता। 3 साल से मैं अध्यक्ष हूँ, मुझे उन्होंने सिंगल फोन भी कभी नहीं किया कि मेरी ये प्रॉब्लम है, किसी संगठन के नाते या जब मैं शिक्षा मंत्री था तो मंत्री के नाते 3 साल तक। वो किस आधार पे कह रही हैं वो तो वो जाने, क्योंकि जो जाता है ना तो वो झूठी सही कुछ न कुछ कमियां निकाल के जाता है। हमारे सुभाष मेहरिया जी भी गए थे और 2-3 महीने पहले पीसीसी मेंबर बने थे, मैंने उनसे पूछा था कि क्या आप कांग्रेस में हैं, पीसीसी मेंबर बना दूं, बोले हैं कांग्रेस में ही हैं, कांग्रेस अच्छी पार्टी है, अच्छा काम कर रही है, मुझे बना दीजिए। और फिर अचानक राजेंद्र जी राठौड़ साहब जब नेता प्रतिपक्ष बने तो उनकी दोस्ती पुनः जागृत हो गई और वो कांग्रेस में कमियां गिनाते हुए निकल गए। तो वो तो अपना अपना विवेक है, अपनी अपनी बात है, अपना अपना मन है, जो जिसको ठीक लगता वो करे। किसने वो दिल्ली में उठाए तो राजस्थान में तो थी नहीं ज्योति मिर्जा जी, राजस्थान में होती और एक भी पीड़ित के घर एक दिन भी 5 मिनट में निकाला होता और उनको महसूस हुआ होता कि राजस्थान में इस तरीके की कानून व्यवस्था, तो उनको कहने का अधिकार था। जब वो थी दिल्ली में तो दिल्ली की बात कर रही होंगी। मेरा मानना है राजस्थान में लैंड ऑर्डर भी चुस्त दुरुस्त है। हमने जहाँ भी घटनाएं घटी हैं पिछले भाजपा की 5 साल के शासन में, हमने वो दौर भी देखा है जब असहाय गृह मंत्री विधानसभा में ये कहता था मेरे बस में नहीं है अपराधियों को पकड़ना। आज जो भी घटना घटती है तुरंत उसकी गिरफ्तारी होती है और उसको न्याय मिलती है, सजा मिलती है अपराधी को, तो ये कॉमन बात है। वो हमारी 10 प्रकार की योजनाओं में महंगाई राहत कैंप में कोई कमी निकाल रहे हैं, हमारे बजट में कोई कमी निकाल रहे हैं, हमारे बजट की जो घोषणाएं हैं उसके इम्प्लीमेंट में कोई कमी निकाल रहे हैं, ये जो भ्रष्टाचार का मुद्दा बना रहे हैं उसमें भी मैं कहना चाहता हूं। आप बताइए राजस्थान की विधानसभा में इन्होंने 5 साल में कौन से मंत्री के ऊपर और कौन से विधायक के ऊपर क्या भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया, एक भी आरोप वो नहीं लगा पाए। अब सड़कों पे अगर चुनावी साल आ गया और चुनाव का वक्त आ गया तो कुछ ना कुछ तो बोलेंगे, ये थोड़ी कहेंगे कि हमारी भी बिजली फ्री हो गई, हमारे भी लंपी की गाय मर गई थी पैसा मिल गया, हमारे भी 2,000 रुपये यूनिट का। बीजेपी के तमाम नेता जिनके कृषि का कनेक्शन है वो 2,000 यूनिट का फायदा ले रहे हैं, वो किस मुँह से हमारी सरकार की बुराई करेंगे, ये मेरे समझ से परे।